प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सोयाबीन आलू ग्रेवी बनाएंगे। सोयाबीन आलू ग्रेवी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, एक कप मीडियम साइज वाला सोयाबीन बॉईल करके लिया है, चार टमाटर काट के लिया है, दो तीन आलू आधा आधा करके लिया है, चार ग्रीन मिर्ची, एक स्पून खसखस, काली मिर्ची आधा स्पून, चौंक के लिए तेल, मेथी धो के काट के लिया है एक कप, नारियल एक कप, अदरक एक इंच अदरक, धनिया थोड़ा सा धो के लिया है, क्वार्टर स्पून हल्दी, एक स्पून बुगरा, स्वाद अनुसार नमक, लवंग तीन। अभी एक मिक्सी जार में नारियल डाल रही हूँ, खसखस डाल रही हूँ, काली मिरी डाल रही हूँ, अदरक, ग्रीन मिर्ची, लवंग, हल्दी, बुगरा, हरी धनिया, नमक। अभी इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। टमाटो भी अभी इसमें डाल रही हूँ, इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। अभी एक कुकर में तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद मेथी काट के रखा था ना, वो मेथी को डाल रही हूँ। ये अच्छा फ्राई कर लेंगे, एक मिनट के लिए ऐसा फ्राई करेंगे। अभी इसमें सोयाबीन डाल रही हूँ, आलू डाल रही हूँ, जो पीस के रखा था ना मसाला उसको भी इसमें डाल रही हूँ। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जार धो के भी थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कुकर ढक के तीन विशल ले लेंगे। देखिए, मील मेकर आलू ग्रेवी रेडी हो गया है। अभी इसमें जो आलू है उसको एक बर्तन में निकाल रही हूँ। इसको छिलका उतार देंगे। छिलका उतार के थोड़ा ऐसा तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ के थोड़ा मोटा मोटा तोड़ देंगे। अभी इसको उसी ग्रेवी में डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मील मेकर आलू ग्रेवी रेडी हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मील मेकर आलू ग्रेवी रेडी।